मान लेते हैं आप 2,500 रुपए लेकर बैठ गए, एक एसएसडी सस्ती थी और ये सब लेकर, आपके पास मोबाइल क्या पुराने जमाने का आएगा नोकिया का बनने के लिए कि सर रिंगल लगा दो? नहीं ना, मोबाइल तो आज ही के जमाने का आएगा ना, काम तो एमएमसी का ही आएगा ना, काम तो सीपीयू का ही आएगा ना, काम तो ग्राफिक्स का आएगा ना, तो उसको कैसे चेक करोगे अपने 2,500 के टूल के साथ? 100 रुपए के एक मल्टीमीटर ये बनने के लिए आए हैं। ये देखिए जैसे आईफोन एक्स है या कुछ आपके आईफोन्स हैं, और अगर मैं इनके सॉल्यूशंस यूट्यूब में ढूंढूंगा, अगर मान लो नहीं मिले तो फिर मैं क्या करूंगा, इनको वापस कर दूं क्या? नहीं ना, तो यूट्यूब पर डिपेंड तो बिल्कुल मत रहो। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसे लोगों की बातें मत सुनो। यूट्यूब से देख कर सीखने वाले कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होंगे, अपना टाइम खराब करेंगे, आप एक अनसेटिस्फाइड जिंदगी जिएंगे और आपको हमेशा लगता रहेगा कि यार काश मैं कहीं चला जाऊं या काश कहीं कर लेता तो आज मैं कुछ और होता। तो आप अंधेरे रूम में खड़े हैं और आप एक रोशनी ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रही है, यही है एक यूट्यूब का सहारा कि यूट्यूब एक अंधेरा कमरा है और इतनी सी रोशनी है, आप उसके सहारे जीवन नहीं जी सकते। तो पहली बात, YouTube के सारे कभी नहीं अपना सफर को चालू करो। अगर आप सोच रहे मैं थोड़े से चालू करूंगा और वे धीरे धीरे आगे आगे जब मैं कमाता जाऊंगा, कमाओगे कहां से? कौन सा फोन बनाओगे? चार्जिंग, आप सिर्फ चार्जिंग जम्पर मार के बना लोगे, पर कैसे पता चलेगा आईसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप चार्जिंग के अंदर मान लो कोई फोन ऐसा आ गया है कि एक स्विचिंग का पैड ओपन है, तो बिना माइक्रो तो इसके बिना जम्पर मार लोगे? इतनी आंखें अच्छी हैं कि एक आईसी के अंदर का पैड देख लोगे, उस पर एक जम्पर लगा लोगे, वो भी 100 रुपए के आयरन के साथ या 300 रुपए के आयरन के साथ? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आईसी निकालना, आईसी क्यों निकालना है, आईसी का कौन सा पैड खराब है, कहाँ माइक्रो जम्परिंग करनी है, आईसी की कहाँ से फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, कौन सी सप्लाई खराब है, ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रहा, लाइट क्यों नहीं आ रही, चार्जिंग क्यों नहीं बन रहा, एमएमसी क्यों खराब है, कैसे करें प्रोग्राम, कोडिंग क्या है, तो ये सब करने के लिए एक दुकान वाला कभी नहीं सिखाएगा। आप उनसे सीखिए, आप ये अपेक्षा करके मत जाइए कि मैं सीख के यहाँ से अगले दिन जाके बस मोबाइल बनाने लग जाऊँ। आप ट्रेनिंग पीरियड पे हैं, आप किसी चीज़ से सीख कर जब आप जाते हैं तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए, तब आप किसी दुकान पे बैठिए। तो क्योंकि आपको दुकान पे आप जब बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं है आप करना क्या है, तो आप हर दिन ऐसा बैठे रहेंगे सोचेंगे कि अब कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। कोई नहीं बैठा इस मार्केट में तुम्हें कुछ बताने के लिए, ये बात दिमाग में ध्यान रखना, कोई भी नहीं बैठा। पर एक इंस्टीट्यूट में जाओगे प्रोफेशनल में और सीखोगे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमको पढ़ाना। नहीं दोस्तों, डेमो से नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट के डेमो से कभी इंस्टीट्यूट को मत सेलेक्ट करो, उसके बैकग्राउंड से और उसके डेली फीडबैक क्लासेस से। एक माइक्रोस्कोप की बात करें या किसी भी टूल की बात करें या एक मल्टीमीटर की बात करें, दोस्तों इनके बिना आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूट आएंगे तो आप इन्हीं के थ्रू रिपेयरिंग करेंगे। आप इंस्टीट्यूट का सिनारियो देखो तो इतने सारे माइक्रोस्कोप लगे होते हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों को उन्हीं पर सिखाया जाता है। और जब आप अगर वो ही नहीं लोगे तो आपके सीखने का मतलब ही नहीं। जब एक डॉक्टर कोई औजार नहीं खरीदेगा तो चीरफाड़ कैसे करेगा? सो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, ऐसे वीडियो बहुत सारे लेके आऊँगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना करना मैं नहीं बोलने वाला, आपकी मर्जी है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आया तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? तो हाय माय यूट्यूब की फैमिली में फेसबुक के प्यारे लोगों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और इस वीडियो के थ्रू मैं आपके लिए बहुत सारे आपके कंफ्यूजन दूर करने आया हूँ। कंफ्यूजन नंबर वन, पहला कि मोबाइल की इंडस्ट्री में आए कि नहीं आए। बहुत से लोग हैं जो पहले करते थे अब छोड़ दिया, या बहुत से लोग हैं जो दूसरा काम करते थे अब नए काम में स्विच करना है। मोबाइल की इंडस्ट्री में आए कि नहीं आए, क्या इस इंडस्ट्री में पैसा है? दूसरा पॉइंट, आए तो पैसा है कि नहीं है? तीसरा, क्या आप कमा पाएंगे? तीसरा पॉइंट,
क्या आपको कैसे शुरू करना चाहिए, एक दुकान के साथ या कहीं बैठकर या थोड़े से पैसे के साथ या बहुत सारा पैसा लगाना है? तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको जरूर सुन लीजिए क्योंकि आपके भले के लिए है और इससे आपके कंफ्यूजन दूर होंगे। आप हमें जानते होंगे, मेरा नाम है देवदत्त अग्रवाल और एसर टेलीकॉम फेसबुक का, आप फेसबुक पर सर्च कीजिए एसर टेलीकॉम, आप देखेंगे डेली लाइव वीडियो जो कि हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं जो डेली लाइव वीडियो दिखा सके। खैर दोस्तों, एसर टेलीकॉम के बारे में आपको जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं, बाकी आप जानकारी ले सकते हैं। पर ये वीडियो मैंने आपके सॉल्यूशंस के लिए बनाया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वीडियो आपके फायदे के लिए बना है। इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करूंगा। कन्फ्यूजन नंबर वन क्या था, वो कन्फ्यूजन कि क्या इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। तो बिल्कुल आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं है। आने वाली इंडस्ट्री में मोबाइल का जो काम है वो बढ़ने ही वाला है, शुरू से भी बढ़ रहा था क्योंकि सेट अब नए आने लगे हैं और नई नई कंपनियां उतरने लगी हैं। और जिस तरह से परफॉर्मेंस अभी आने लगा है क्योंकि मोबाइल में हर चीज़ आज लैपटॉप से लेकर पीसी से लेकर गेमिंग से लेकर हर चीज़ एक मोबाइल पे हो रही है। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, बच्चों की पढ़ाई से लेकर एक बड़ों के अकाउंट मैनेज तक, कि अगर हम किसी दुकान में बैठे हुए हैं और दुकान में भी अगर हम किसी का अकाउंट बना रहे हैं या किसी प्रकार की अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो वो भी आप देख रहे हो कि मोबाइल पे हो रही है। एक चैटिंग से लेकर एक वीडियो कॉलिंग तक हर चीज़ मोबाइल पे हो रही है। तो ऑब्वियस है कि लोगों के पास मोबाइल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मोबाइल जितने कॉम्पैक्ट हो रहे हैं और जितने एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, आज लोग पहले डिजिटल कैमरा परचेस करते थे, अब कैमरे की जगह वो मोबाइल परचेस कर रहे हैं क्योंकि वही फैसिलिटी जो DSLR की होती है वो कहीं हद तक मोबाइल में भी मिल रही है। तो दोस्तों ये अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, क्योंकि लैपटॉप की रिपेयरिंग, LED की रिपेयरिंग या किसी नॉर्मल गैजेट की रिपेयरिंग से कहीं बेहतर है एक मोबाइल टेक्नीशियन बनना। अगर आप, और ये डिपेंड और ये मैटर नहीं करता कि आप पढ़े लिखे हैं या आप एक इंजीनियर हैं या आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मैटर ये करता है कि इस फील्ड में अगर आपको आना है तो आपका, आपकी सोच क्या है, क्या आपको इस फील्ड के लिए मजे के लिए कर रहे हैं या किसी को देख के लिए कर रहे हैं या कि या इस फील्ड को मजे के लिए कर रहे हैं या इसको देख कर कर रहे हैं, या आपके इंटरेस्ट है इस फील्ड में आना कि नहीं मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो ये इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूं और आगे जाके इस फील्ड से पैसा भी कमाना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी को देख कर कर रहे हैं तो इस फील्ड में मत आओ, और आप मजे के लिए कर रहे हैं तो मजे के लिए घर पर बैठो और जो नॉर्मल यूट्यूब वीडियो है उनको देखो और नॉर्मल काम कर लो मजे के लिए। पर अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको बहुत एंडलेस जाना है, आपको हर तरह की रिपेयरिंग सीखना है, आपको पैसा कमाना है और अच्छा पैसा कमाना है, बिजनेस ग्रोथ करना है अपना, आने वाले समय में आपको मार्केट में अपना नाम करना है, तो इस फील्ड को जरूर चुनिए। दोस्तों दूसरा सवाल कि क्या इस फील्ड में पैसा है, बिल्कुल इस फील्ड में पैसा है दोस्तों। अभी मोबाइल रिपेयरिंग वैसा नहीं रहा, देखो अब मेरी बात बताओ, जो आदमी काम नहीं कर पाएगा उसके लिए अगर कोई फ़ोन चार्जिंग के लिए भी आया तो वो चार्जिंग का पैसा भी नहीं बोल पाएगा। 250 रुपये जिसका चार्जिंग का पैसा लेना होगा उसका भी 50 रुपये लेगा। तो ये बोलना कि पैसा नहीं है बिल्कुल गलत है। आज की डेट में जो भी मोबाइल हम परचेस करते हैं, एक आईफोन से लेकर या एक एंड्रॉयड तक, डाटा रिकवरी से लेकर बात करूँ या नॉर्मल रिपेयरिंग सर, अभी की डेट में हर एक आदमी, आपको भी पता है कि सर्विस सेंटर पे मोबाइल सुधारे नहीं जाते हैं, वो केवल मदरबोर्ड चेंज करते हैं, वो भी उनके टर्म्स कंडीशन पे। अगर आपकी स्क्रीन टूट गई तो वो आपसे पूरे एक मदरबोर्ड का पूरा पैसा मांग लेते हैं या चेंज करने की बात करते हैं। इवन एक आईफोन में अगर छोटा सा भी फॉल्ट गया ना, जैसे अगर मैं बात करूँ Face ID, अगर आईफोन में Face ID भी खराब हुई ना तो पूरे 50,000 रुपये की रिपेयरिंग मांगते हैं, या 50,000 रुपये बना के देंगे या रिप्लेस करके देंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो इतना पैसा मांगते हैं। सो लोग इनको छोड़कर एक दुकानों के पास जाते हैं, टेक्नीशियंस के पास जाते हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप लेकर बैठे हुए हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, तो ये तीसरा सवाल आपके लिए आता है कि दोस्तों अब पैसा बहुत कमा सकते हो, बहुत पैसा है, पर आप कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते, ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट, अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग, हम बोलते हैं एंडलेस लेवल पे सिखाते हैं, क्योंकि एक सीखने की क्षमता होती है। हम सिखा तो सब कुछ सकते हैं, पर हम एक बार में सारी चीज़ देते हैं तो आपको भी लेने में थोड़ा टाइम लेता है। आप ये सोच के चलिए कि मैं अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहा हूं या किसी दुकान में बैठा हूं, तो आप अपने आपको समय दीजिए, दे बाय दे कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और जहां आप सीखते रहेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और हर एक फॉल्ट का आपको सलूशन मिलता जाएगा, और वही फॉल्ट का सलूशन आपको पैसा देगा।
दोस्तों सवाल एक और आता है कि कहां से शुरू करना चाहिए, क्या YouTube देखकर मोबाइल रिपेयरिंग शुरू करना चाहिए, या छोटी दुकान पर बैठकर करना चाहिए, या एक इंस्टीट्यूट से सीखना चाहिए। तो सवाल इसका आंसर आप सुन लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप YouTube से देखकर करेंगे तो वो ना आधा ज्ञान है, ना पूरा ज्ञान है, ना थोड़ा है, ना इधर है, क्योंकि वो छोटे छोटे सोल्यूशंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ मोबाइल्स हैं, जैसे देख लीजिए ये मेरे पास मोबाइल्स बनने के लिए आए हैं, ये देखिए जैसे आईफोन एक्स है या कुछ आपके आईफोन्स हैं, और बहुत सारे मोबाइल्स यहाँ पर जो बनने के लिए आते हैं कुरियर से या जो हमें मिलते हैं, अगर मैं इनके सॉल्यूशंस यूट्यूब में ढूंढूंगा, अगर मान लो नहीं मिले तो फिर मैं क्या करूँगा, इनको वापस कर दूँ क्या? नहीं ना। तो यूट्यूब पर डिपेंड तो बिल्कुल मत रहो। जो लोग बोलते हैं सर YouTube से देखकर सीख लो, तो दोस्तों मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसे लोगों की बातें मत सुनो। YouTube से देखकर सीखने वाले कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होंगे, अपना टाइम खराब करेंगे, आप एक अनसेटिस्फाई जिंदगी जिएंगे, और आपको हमेशा लगता रहेगा कि यार काश मैं कहीं चला जाऊं या काश कहीं कर लेता तो आज मैं कुछ और होता। अपना समय बर्बाद मत करो। दोस्तों आप किसकी बात सुनेंगे? आप हमारी बात सुनेंगे जो इतने टाइम से एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इतने प्रोफेशनल होने के बाद, इतना बड़ा नाम होने के बाद, या उनकी बात करेंगे जिनको कोई नहीं जानता है, जिनने एक उठा के एक वीडियो बना देते हैं, जिनके कोई चार मोबाइल रिपेयरिंग के नहीं, जिनको खुद का कोई नॉलेज नहीं, जिनको एक डायग्राम बनाना नहीं आता, या टेक्निकल बात करो तो जिनको बोलना तक नहीं आता, आप किस पर विश्वास करेंगे? आप एक पढ़े लिखे लोगों पर विश्वास करेंगे जो इस फील्ड में हर दिन आपको दिखाई देते हैं, या उन पर जो कहीं भी मुंह उठाए कुछ भी बोल देते हैं? यहां पर यूट्यूब में बोली जा रही चीज कि मेरे को सब्सक्राइब करो और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ सोल्यूशन मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो आपको सब कुछ दे देगा? उसको खुद नहीं पता बहुत सारी चीजें। तो आप अंधेरे रूम में खड़े हैं और आप एक रोशनी ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रही है, यही है एक यूट्यूब का सहारा, कि यूट्यूब एक अंधेरा कमरा है और इतनी सी रोशनी है, आप उसके सहारे जीवन नहीं जी सकते। तो पहली बात, यूट्यूब के सहारे कभी नहीं अपना सफर को चालू करो। दूसरी बात, क्या दुकान में बैठना सही रहेगा या एक इंस्टीट्यूट में जाना सही रहेगा? दोस्तों एक दुकान में बैठने का जो लॉजिक होता है वो सही है, अगर आपको मोबाइल खोलना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो बिल्कुल आप किसी दुकान में बैठ के पहला काम सीखो मोबाइल खोलना, मोबाइल के बारे में खोलना, छोटा मोटा काम, एक सोल्डिंग करना कि एक स्पीकर को कैसे सोल्ड करें, या माइक को कैसे सोल्ड करें, या चार्जिंग जैक कैसे बदलें, क्योंकि अब मैंने पहले भी कहा कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि ये काम मोबाइल रिपेयरिंग का होता ही नहीं है, क्योंकि ये काम नॉर्मल आप अपने घर पे भी कर सकते हो कोई यूट्यूब वीडियो देख कर, जैसे बोलते ना नॉर्मल दोस्तों घर पे भी देख कर सकते हो, पर आईसी निकालना, आईसी क्यों निकालना है, आईसी का कौन सा पैड खराब है, कहाँ माइक्रो जंपिंग करनी है, आईसी की कहाँ से फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, कौन सी सप्लाई खराब है, ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रहा, लाइट क्यों नहीं आ रही, चार्जिंग क्यों नहीं बन रहा, एमएमसी क्यों खराब है, कैसे करें प्रोग्राम, कोडिंग क्या है, तो ये सब करने के लिए एक दुकान वाला कभी नहीं सिखाएगा। दोस्तों वो एक चलती हुई दुकान में अगर उसको आता भी होगा तो वो आपको पूरा टाइम कभी नहीं देगा, वो आपसे बोलेगा कि अगर ये सेट खराब है तो इसकी पावर चेंज कर दो, पावर चेंज करने के बाद नहीं हुआ तो वो कस्टमर को वापस कर देगा, पर कभी नहीं बताएगा इस लाइन से उस लाइन को ढूंढना है। तो दुकानों से कहीं बेस्ट है इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल तरीका सिखाते हैं, वो आपको हर एक चीज को पढ़ना, हर एक चीज को समझना, हर एक सेक्शन बारीकी से कि अगर वाईफाई है या अगर लाइट है या चार्जिंग है या बीएसआई है तो कहां से कहां पर, आज मीडियाटेक का अगर फोन है वो ओप्पो का फोन है या वीवो का फोन है या सैमसंग का फोन है या प्रोसेसर के वाइज पढ़ाएंगे, तो वो हर एक चीज बताएंगे कि अगर ये फोन आया तो ये लाइन से यहाँ पे शुरू करो, इतना आपकी रीडिंग होनी चाहिए, इतना वोल्टेज होना चाहिए और ये फ्रिक्वेंसी लेवल होना चाहिए, और यही जजमेंट होता है। और अगर पीएमपीएमआई का सर्किट है तो पीएमआई पे काम करो, पीएमपीएमएल का है या किसका, पीएमपीएमए है या पीएमपीएमए पीएमबी या फिर कोई एसडीएक्स मॉडम करके एक 5G मॉडम लगा हुआ, तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो सवाल बनता है कि सीखें किससे, तो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आप उनसे सीखिए। आप ये अपेक्षा करके मत जाइए कि मैं सीख के यहां से अगले दिन जाके बस मोबाइल बनाने लग जाऊं, आप ट्रेनिंग पीरियड पे, आप किसी चीज से सीख कर जब आप जाते हैं तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए, तब आप किसी दुकान पर बैठिए। तो क्योंकि आपको दुकान पर आप जब बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं है आप करना क्या है, तो आप हर दिन ऐसा बैठे रहेंगे सोचेंगे कि अब कोई कुछ बताएगा, अब कोई कुछ बताएगा, कोई नहीं बैठा इस मार्केट में तुम्हें कुछ बताने के लिए, ये बात दिमाग में ध्यान रखना, कोई भी नहीं बैठा।
पर एक इंस्टीट्यूट में जाओगे प्रोफेशनल में और सीखोगे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमको पढ़ाना। तो दोस्तों एक सवाल और आता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं मार्केट में जिनको नॉलेज नहीं होता, इंस्टीट्यूट लेकर बैठ जाते हैं, जिनको खुद नहीं पता कि कैसे क्या काम करना है, और उनसे सीख कर बच्चे जाकर कुछ काम नहीं कर पाते, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और बाद में फिर उनको लगता है कि सारे इंस्टीट्यूट ख़राब है, और वो हर इंस्टीट्यूट को फेक बोलते हैं, इवन वीडियो भी बनाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनका क्या करें, इनसे कैसे बचें? तो मैं आपको पहली बार बता दूँ, हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो होते हैं ना, कि अगर आपका चुनाव करने का जो तरीका है, किसी भी इंस्टीट्यूट को आप एकदम से कभी सेलेक्ट मत करो। आप किसी इंस्टीट्यूट के पास जा रहे हैं, आपने कभी उसके टीचर का कोई वर्क करता वीडियो नहीं देखा, आपने कभी उसकी रनिंग क्लास नहीं देखी, आपने कभी उसके बारे में पुराना नॉलेज नहीं लिया, पुराने बैकअप स्टूडेंट से बात नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसको सेलेक्ट करना चाहिए। आप जैसे, अगर मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, अगर आप इसे टेलीकॉम पे आना चाहते हैं तो फेसबुक में जाइए, डेली लाइव क्लासेस, हजारों क्लासेस, डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस, हजारों क्लासेस आप हमारी देख सकते हैं। मेरे इवन खुद के 1000 के ऊपर वीडियो, मैं हमारे हर एक टीचर के वीडियो, हर एक आदमी यहाँ पर, किसी को हाइड नहीं करना, पहले दिन से स्टूडेंट को आखिरी दिन तक रखना, और हर दिन का आउटपुट बताना, हर दिन पूछना कि आज जो पढ़ाया वो बना कि नहीं बना। तो मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा क्या होगा सबूत, क्योंकि दोस्तों जो डेमो होता है, जो इंस्टीट्यूट डेमो के नाम से आपको बुलाएंगे, तो वो 2 दिन आपको एक ऐसी यूनिक चीज़ बता देंगे जो आपको पता नहीं होगी, और आपको लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। पर जब चौथे पांचवें दिन उनके बाद कुछ नहीं होगा, तो आपको लगेगा अरे यार ना मेरे तो सेट बन रहा है, ना मुझे सेट डायग्नोस तक नहीं हो रहा है। चलो कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाता, चलो ये बात मान लेते हैं, पर डायग्नोस तो करके दें मुझे कि मैं घर जाकर कैसे बनाऊं, वो तक नहीं हो रहा है, तो वो डेमो की क्लास का क्या अचार डालोगे? तो ये वाली बात भी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूट डेमो दे रहा है तो आप वहाँ पे 2 दिन बैठ जाएंगे और आपको लगेगा हाँ मुझसे देखो एक आईसी निकलवाई लगवाई, ये तो डेमो में नहीं। दोस्तों डेमो से नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट के डेमो से कभी इंस्टीट्यूट को मत सेलेक्ट करो, उसके बैकग्राउंड से और उसके डेली फीडबैक क्लासेस से। और दोस्तों इस दुनिया में एक बार बताइए, नेगेटिव कौन नहीं है? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ वीडियो डले हैं, उनके हंसने पर भी, कोई भी वीडियो हो गांधी जी के बारे में, देश के बारे में, धर्म के बारे में, गुरुओं के बारे में, आप अगर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपके धर्म, हमारे धर्म, सबके बारे में कहीं ना कहीं एक ऐसे नास्तिक बैठे हुए हैं जो हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उनके बारे में? उनके बारे में उनके सोचना चाहिए, उनके बारे में बात करना चाहिए? नहीं, इग्नोर करना चाहिए। तो सर जैसे होता ना एक हाथ की 5 उंगली, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी किसी जगह नहीं जाते, पर एक जिसको हम बोलते हैं ना गर्ल्स में आके किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बातें करते हैं, तो आप 1-2 के पीछे अपनी राय कायम कभी मत करो। कभी बोलते ना कानों सुनी पर कभी विश्वास मत करो, दोस्तों आंखों देखी पर विश्वास करो। जो आप देख रहे हैं, आप जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में देख रहे हैं हजारों बच्चे पढ़ के गए, इतने सारे बच्चे पढ़ के गए हैं, तो आप जब वो अगर पढ़ के जा रहे हैं, वो अपना आउटपुट शेयर कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं तो आउटपुट है। आप जब यहाँ आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि 2-3 दिन में कि आपको ना पैसा मांगने की जरूरत होगी, ना आपको लगेगा कि सर मुझे, हम आपको निकालना भी चाहे तो आप बोलोगे निकलो नहीं सर, मुझे निकालो मत, मैं तो यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। 12-12 घंटे की क्लासेस होती हैं। खैर, मैं यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का प्रचार करने नहीं बैठा हूँ, मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपको सोल्यूशन देने के लिए कि मार्केट में अभी क्या क्या करना है। तो पहला जो सवाल था कि 2022 आपके लिए है कि नहीं है ये फील्ड, बिल्कुल है, इस फील्ड में जाओ, ये फील्ड बहुत अच्छी है। दूसरा सवाल था पैसा है कि नहीं है, पैसा उन्हीं के लिए है जिनको नॉलेज है, तो अगर नॉलेज जब तक नहीं होगी पैसा कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, नॉलेज नहीं लोगे तो पैसा नहीं आएगा, नॉलेज होगा तो पैसा आएगा। तो ये फील्ड सिर्फ पैसों वालों की है, तो ये फील्ड सिर्फ नॉलेज वालों की है, उन्हीं को पैसा आएगा। तीसरा सवाल कि इंस्टीट्यूट से शुरू करें, दुकानों से शुरू करें, या यूट्यूब देख के? तो यूट्यूब देख के तो कुछ भी नहीं कर सकते इस दुनिया में, और एक वो दिए तले अंधेरा वाली बात है। और दूसरा दुकानों से सीख कर, तो दोस्तों फिर आपको पता ही नहीं होगा, आप डेली अपना 6-7 महीना जितना भी दुकान में बैठ लोगे सब ब्लेंडर है। तो ले देखे शुरुआत इंस्टीट्यूट से करो। अगला सवाल ले लेता, छोटा सा मुद्दा उठाऊंगा कि पैसा कितना लगाना है।
दोस्तों ये फील्ड में अगर आप कर्जा लेके जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट की फीस इतनी महंगी है और आप कर्जा लेके जाते हैं, आप इंस्टीट्यूट का पैसा चुकाते हैं, तो मेरे भाई पहले इंस्टीट्यूट वालों से बात करो, हमसे भी कर रहे हो तो हमसे भी बात करो कि सर इस फील्ड में पैसा कितना है। हम हर कॉलिंग पे इंस्टीट्यूट बच्चों को बताते हैं। आप मेरे पीछे सेटअप देख रहे होंगे, एक माइक्रोस्कोप की बात करें या किसी भी टूल की बात करें या एक मल्टीमीटर की बात करें, दोस्तों इनके बिना आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूट आएंगे तो आप इन्हीं के थ्रू रिपेयरिंग करेंगे। आप इंस्टीट्यूट का सिनारियो देखो तो इतने सारे माइक्रोस्कोप लगे होते हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों को उन्हीं पर सिखाया जाता है। और जब आप अगर वो ही नहीं लोगे तो आपके सीखने का मतलब ही नहीं। जब एक डॉक्टर कोई औजार नहीं खरीदेगा तो चीर फाड़ कैसे करेगा? ये DSO परचेस करना पड़ता है, ये बताता है कि तुम्हारे फ़ोन में CPU काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मुझे बताइए, आप इतना पैसा खर्च करके आएंगे और उसके बाद में टूल का पैसा नहीं लगाएंगे, तो ये किसके लिए नाइंसाफी है? आपके लिए कि हमारे लिए? तो ये सोचना कि ये इस टूल इस काम में मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, तो मेरे भाई चलो ठीक है, मान लेते हैं आप 2,500 रुपये लेकर बैठ गए, एक SMD सस्ती थी और ये सब लेकर, आपके पास मोबाइल क्या पुराने ज़माने का आएगा नोकिया का बनने के लिए कि सर रिंगल लगा दो? नहीं ना, मोबाइल तो आज ही के ज़माने का आएगा ना, काम तो MMC का ही आएगा ना, काम तो CPU का ही आएगा ना, काम तो ग्राफिक्स का आएगा ना, तो उसको कैसे चेक करोगे अपने 2,500 के टूल के साथ, 100 रुपये के एक मल्टीमीटर? ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है। इस अगर आप सोच रहे मैं थोड़े से चालू करूंगा और धीरे धीरे आगे आगे जब मैं कमाता जाऊंगा, कमाओगे कहां से? कौन सा फोन बनाओगे? चार्जिंग, आप सिर्फ चार्जिंग जंपर मार के बना लोगे, पर कैसे पता चलेगा IC काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप चार्जिंग के अंदर मान लो कोई फोन ऐसा आ गया है कि एक स्विचिंग का पैड ओपन है, तो बिना माइक्रो तो इसके बिना जंपर मार लोगे? इतनी आंखें अच्छी हैं कि एक IC के अंदर का पैड देख लोगे, उस पर एक जंपर लगा लोगे, वो भी 100 रुपये के आयरन के साथ या 300 रुपये के आयरन के साथ? नहीं दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। कहने की बातें हैं, जो लोग ये कहते हैं वो अपना व्यू और ये सब के लिए कहते हैं, प्लीज़ जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ, आपको बिलीव नहीं करना है, आपकी इच्छा है मत कीजिए। आपको जब आप प्रैक्टिकल में बैठेंगे, अपनी दुकान पर बैठेंगे और जब आपके ऐसे सेट आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरे से बन क्यों नहीं रहा है, लैक ऑफ टूल। तो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो टूल की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। हमारे पास जब भी आप कॉल करें सो हमारे से फीस के साथ में टूल की रिक्वायरमेंट पूछें। आपको हमारे टीम सपोर्ट से जो भी कॉल उठाता है, वो MD सर हो या हमारी मैडम हो या कोई भी सर हो, तो आप उनसे जरूर पूछेंगे सर टूल कितने के लगेंगे, और आपको लगता है कि हाँ मैं टूल का इतना जुगाड़ कर सकता हूँ तो ही इस फील्ड में आइए, मैं ये समझता हूँ। दोस्तों मैं वैसा नहीं हूँ, मैं कोई इस तरह की बातचीत नहीं करूँगा कि मैं बोलूँगा दोस्तों आप तो बिल्कुल आ जाओ सीख लो फिर आप छोड़ दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ये काम। मैं ये चाहूँगा कि आप अगर मेरे पास आ रहे हो तो आप अपना काम धंधा चालू कर दो, आप सीखने के साथ में आपको कमाना, आपका बिजनेस देखना चाहता हूँ मैं, हर दिन की कमाई देखना चाहता हूँ मैं। पर दोस्तों तभी वो पॉसिबल होगा, अगर हम आपको इतना सिखा रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो उस ज्ञान को प्रैक्टिस में लाने के लिए भी टूल चाहिए। सो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, ऐसे वीडियो बहुत सारे लेके आऊँगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवतरंग दुआ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना करना मैं नहीं बोलने वाला, आपकी मर्जी है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आया तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और जो हेटर्स हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एसर टेलीकॉम को हेट करने या मेरे को हेट करने से आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं वाली है। हाँ, हमारी वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छी बात है, आपका भी काम चले और आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छा नाम कमाएं, बस मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और फेसबुक में जाइए, फॉलो कीजिए और लाइव क्लासेस देखिए। और आज अगर कोई बच्चा ने इस वीडियो को देख रहा है और अगर इस फील्ड को इंटरेस्ट है तो हमारे फेसबुक में जरूर जाना और लाइव क्लासेस देखना, आपको मोटिवेट मिलेंगे। आपको वहाँ पे आपसे भी जवान बच्चे बैठे हुए हैं, आपसे भी फ्रेशर बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे जिन्होंने जीवन में आज तक मोबाइल नहीं देखा वो तक बैठ कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल करते हुए भी देखिए, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि आप भी एक दिन एसर टेलीकॉम ज्वाइन कर पाएँ और हमारे साथ पढ़ पाएँ। और आपको एक वादा करके जा रहा हूँ कि अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको निराश होने कभी नहीं दूंगा, और लाइफ में मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आपके मार्केट में आपका नाम होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।